दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं अयोध्या में रखी भगवान श्री राम की पुरानी मूर्ति का क्या होगा, नई मूर्ति की आवश्यकता आखिर क्यों थी। तो दोस्तों पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, और हाँ चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। तो दोस्तों आइए इस बेहतरीन और शानदार वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राम मंदिर के गर्भगृह में 51 इंच की रामलला की मूर्ति रखी गई थी। भगवान राम की 3 मूर्तियों का निर्माण किया गया था, जिनमें से मैसूर स्थित मूर्तिकार अरुण योगी राज द्वारा बनाई गई मूर्ति को प्राण प्रतिष्ठा के लिए चुना गया है। यह पूछे जाने पर कि अन्य 2 मूर्तियों का क्या होगा, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषा अध्यक्ष ने कहा, हम उन्हें पूरे आदर और सम्मान के साथ मंदिर में रखेंगे। एक मूर्ति हमारे पास रखी जाएगी, क्योंकि प्रभु श्री राम के वस्त्र और आभूषणों को मापने के लिए हमें इसकी आवश्यकता होगी। दोस्तों रामलला की मूल मूर्ति के बारे में गिरी ने कहा, इसे रामलला के सामने रखा जाएगा। मूल मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसकी ऊंचाई 5 से 6 इंच है और इसे 25 से 30 फीट की दूरी से नहीं देखा जा सकता, इसलिए हमें एक बड़ी मूर्ति की आवश्यकता थी। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं आप ये जान पाए होंगे कि पुरानी मूर्ति का क्या होगा और नई मूर्ति की आखिर क्या आवश्यकता थी। तो दोस्तों वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और हाँ हो सके तो कमेंट में आप जय श्री राम जरूर लिखिए। और दोस्तों यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।